हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए लेट्स क्रैक इट चैनल को और दबाइए उस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैक इट चैनल में। आज की हमारी जो वीडियो है वो होने वाली है ट्रिपल सी के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, हम लोग इसमें ट्रिपल सी की क्लास पढ़ेंगे और वो भी थ्योरी के साथ। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर साथ साथ लिखते भी रहिएगा। तो पहला चैप्टर जो है हमारा वो है इंट्रोडक्शन। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है हमारी कंप्यूटर का परिचय। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंप्यूटर क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट नामक शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कंप्यूट से। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। तो यहाँ से देखते हैं, बोलचाल की भाषा में इसे एक कैलकुलेटिंग डिवाइस भी माना जाता है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को तेज़ी के साथ कर सकता है। कंप्यूटर जो है वो आपके अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं उन्हें भी आपका तेज़ी के साथ कर सकता है, परंतु आज इसकी परिभाषा बदल गई है। अब कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना तक सीमित नहीं रह गया है। आजकल हम लोग इसका प्रयोग म्यूजिक सुनने में, ग्राफिक्स में, इंटरनेट और कई अन्य सेवाओं में भी कर सकते हैं। अतः अब हम लोग कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है। यह हमारे डाटा को एक्सेप्ट करेगी और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के बाद उसे एक इन्फॉर्मेशन में बदल देती है और आउटपुट रिजल्ट प्रदान करती है। देखिए, बात करते हैं डाटा की। तो डाटा जो है हमारा वो किसी प्रकार का हो सकता है। ये डाटा को एक्सेप्ट करेगी। डाटा में आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी होगा या वीडियो और एनिमेशन वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं अब कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। तो कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं? तो सबसे पहली इसकी जो क्वालिटीज़ है वो होती है स्पीड, कंप्यूटर की गति काम करने की। तो कंप्यूटर एक बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो किसी निर्देश को पल भर में क्रियान्वित कर सकता है। ये किसी भी एक इंस्ट्रक्शंस को एक पल में चला देता है। यह किसी कार्य को सेकंड के एक भाग के समय में ही हल कर देता है, एक सेकंड के एक छोटे से भाग में सॉल्व कर देता है, जबकि उस कार्य को एक व्यक्ति घंटों तक नहीं कर पाएगा। अगर वही कार्य हम लोग किसी व्यक्ति से करवाएं तो वो उसे करने में काफ़ी समय लेगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर एक सेकंड के एक भाग में 1 मिलियन या उससे भी अधिक निर्देशों को क्रियान्वित कर सकता है। देखिए, 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में कर सकता है, मतलब 1 मिलियन से यहाँ मतलब होता है 10 लाख। अगली इसकी विशेषता देखते हैं, अगली है एक्यूरेसी, कंप्यूटर की शुद्धता। कंप्यूटर बिना कोई गलती किए पूरी घटनाएं सही सही कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है जिससे कभी भी कोई गलती नहीं करता है। कंप्यूटर कभी भी कोई भी गलती नहीं करता है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर में गलती तभी आ सकती है जब व्यक्ति द्वारा गलत इनपुट या निर्देश दिए गए हों। कंप्यूटर गलती कब करेगा? जब उसे चलाने वाला यूज़र गलती करेगा। यूज़र कुछ गलत डालेगा तभी कंप्यूटर गलती करता है। अगली विशेषता देखते हैं, अगली विशेषता है इसकी डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके लगातार कर सकता है। कंप्यूटर कोई भी कार्य करने में कभी भी थकता नहीं है। इसे किसी भी प्रकार की थकान या कमजोरी नहीं होती है जिससे यह कार्य को बिना किसी रुकावट या गलती के लगातार कर सकता है। कंप्यूटर क्या करता है? आपका किसी भी कार्य को लगातार बिना थके या बिना रुके कर सकता है। कंप्यूटर की इस क्षमता की वजह से मानव कार्य में काफ़ी विकास हुआ है। अगली इसकी क्वालिटी देखते हैं, स्टोरेज क्षमता। आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर में हम लोग अपना बहुत सा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, तो ये भी इसकी एक विशेषता हो जाती है।
कंप्यूटर में किसी प्रकार के डाटा या इन्फॉर्मेशन को इसकी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में मैग्नेटिक मीडिया स्टोरेज होते हैं जो अत्यधिक मात्रा में डाटा या सूचनाओं को परमानेंट सुरक्षित रखने की सहूलियत देते हैं, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो जाती है, या बहुत सारी अन्य ऐसी डिवाइस होती हैं जिनमें आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। तो अगली विशेषता देखते हैं कंप्यूटर की, अगली हो जाएगी वर्सेटिलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है? वर्सेटिलिटी का मतलब होता है विविधता, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता। तो देखते हैं कंप्यूटर एक बहुत अच्छी विशेषता इसकी विविधता होती है। इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता है जो एक समय में कई कार्य कर सकती है, जैसे अपने डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग के दौरान म्यूजिक सुनना, कोई पेज प्रिंट करना आदि। जैसे कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, कुछ भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कुछ भी, आप वो बनाते बनाते भी म्यूजिक सुन सकते हैं साथ ही साथ, या अगर उसको आपको प्रिंट करना है तो साथ ही साथ प्रिंट भी निकाल सकते हैं, तथा कई अन्य कार्य करने में सक्षम होता है। तो ये हो गई कंप्यूटर की विविधता, एक साथ कई सारे कार्य करना, वर्सेटिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया? विविधता, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता। तो ये तो हो गई आपके यहाँ से कंप्यूटर और उसकी विशेषताएं। इस क्लास में आप लोगों ने कंप्यूटर की परिभाषा और उसकी विशेषताएं पढ़ी। अगली वीडियो में इसके आगे पढ़ाऊंगा। ये आपका स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, पूरा सिलेबस मिलेगा ट्रिपल सी का, घर बैठे आप लोग ट्रिपल सी की तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपकी पहली क्लास थी ट्रिपल सी की, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, लाइक कर दीजिए। सबसे मेन काम है आपको शेयर करना है वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए और इस चैनल के साथ जोड़िए। एक पर्सन कम से कम 20 लोगों को ये शेयर करेगा और सब्सक्राइब करवाएगा, जिससे कि मैं ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए। थैंक यू।